नमस्कार वेली भाइयों, सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो Q&A है, ये Q&A मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि पिछले 2 से 3 वीडियो बनाने के बाद में मुझे काफी सारे वीएलईज के ये क्वेश्चंस आए कि सर ICICI में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इधर, वो इधर, इस तरह के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सभी का रिप्लाई मैं कर नहीं पाता हूँ कमेंट में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A बना दिया जाए। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस है सभी को प्रिंट आउट कर लिया है, लिस्ट आउट कर लिया है, और आप लोगों को मैं एक एक करके जवाब बताऊंगा। जितने मुझे आते हैं मैं उन्हीं के जवाब बता पाऊंगा, जो क्वेश्चंस के जवाब मेरे पास नहीं है मैं उनको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा आपको गलत चीजें बताने की कोशिश नहीं करूंगा। सो गाइस, जो जो मुझे पता है मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। और इसके बाद भी अगर आपको जिन सवालों के जवाब आपको बताए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमारे जो और वीएलई है उनको मैं बता सकूं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर मुझसे 450 लोग कनेक्टेड है, इंडिया के सीएससी वीएलई जो है, और वहीं से मुझे कुछ क्वेश्चन आए हैं तो उनके भी जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है रविशंकर कुमार सर की तरफ से, रविशंकर जी जो है उन्होंने कमेंट किया है कि सर ICICI करेंट अकाउंट ओपन करने पर पैसा भी लगता है क्या? तो देखिए दोस्तों, करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आप डायरेक्टली बैंक में जाओगे तो बैंक में पैसा लगता है, लगता नहीं है, वो डिपॉजिट करना पड़ता है। बट सीएससी वीएलई के लिए जो है ICICI करेंट अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा जो है डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो इसके अंदर एजेंट रजिस्ट्रेशन करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर रोज भुयान चौधरी जी की तरफ से कि ICICI बैंक बीसी आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड होगा? दोस्तों ICICI बैंक बीसी कार्ड जो है आपका डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा जो बैंक मित्र का जो वेबसाइट है bankmitra.cscloud.in, इसके ऊपर जाइए, वहां आपको एक आईडी कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो सीएससी वैली जो है वहां से आईडी कार्ड अपनी सीएससी की जो आईडी डाल के डाउनलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर रोहित यादव सर की तरफ से कि क्या सीएससी में मैं बिना आईएबीएफ के बीसी पॉइंट मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, बीसी पॉइंट जो है आपको जरूरी नहीं है कि आईएबीएफ का सर्टिफिकेट आपको अभी लगाना पड़ेगा, बीसी पॉइंट जो है आपको बिना आईएबीएफ के भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आरबीआई का जो है अभी नोटिस आया है कि आप लोगों को जो है आईएबीएफ का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर आप डीजीपी में काम करते हो, आप सीएससी के बैंक मित्र में काम करते हो, तो आपको आईएबीएफ का सर्टिफिकेट जरूरी है। तो सभी लोगों को जो आईएबीएफ का सर्टिफिकेट है वो bankmitra.cscloud पर जाके अपलोड कर देना है अगले 6 महीने के अंतर्गत। और आपका जब भी आईडी चालू हो जाता है बैंक मित्र का, उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपको अपलोड करना रहेगा। तो आप लोग आईएबीएफ मैंडेटरी है, जरूर इसके लिए आवेदन कर दें और जरूर इसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मिथिलेश जी का आ रहा है, बिहार के लिए भी है क्या? जी हाँ, सभी जो सर्विसेज जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था आरबीआई का, जो कि यहाँ पर एक नियम लगा है कि जहाँ ये आपका सर्टिफिकेट जो आप सभी लोगों के लिए जरूरी है, तो वो सभी स्टेट के लिए जरूरी है, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट के लिए वो रूल है, सभी स्टेट के लिए आपको वो नियम का पालन करना होगा, यानी कि आईएबीएफ सर्टिफिकेट आपको लेना ही लेना होगा। नाउ यहाँ पर मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि क्या डीजीपे चलाने के लिए भी आईएबीएफ देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि डीजीपे में जो हम लेन देन करते हैं वो लेन देन हम कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के थ्रू कर रहे हैं, हमारा जितना भी कमीशन, जितना भी अकाउंट लेन देन होता है वो सारे एचडीएफसी की तरफ से होता है। तो वहां पर हम वित्तीय लेन देन के लिए जो है हमको आईएबीएफ देना ही देना होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन आया है, ये भी अननोन व्यक्ति है, आईसीआईसीआई का बीसी अकाउंट ओपन हो गया है, मेरे को कोड कैसे मिलेगा? दोस्तों बीसी कोड जो है आपका आईसीआईसीआई में जो बीसी कोड है आपका, बीसी कोड वही है आपका सीएससी आईडी, जैसे कि आप जो यूसीएल रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको वहां पर बीसी कोड मांगेगा, तो बीसी कोड आपका सीएससी आईडी है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपका सीएससी आईडी ही आपका बीसी कोड है अगर आप यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर अख्तार भाई का क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई बैंक वीएलई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होगा क्या? बिल्कुल सर, अख्तार भाई जी आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, आपका जो आईसीआईसीआई बैंक का जो अभी अकाउंट ओपन हो रहे हैं हमारे वीएलई के, वो बिल्कुल जीरो बैलेंस है, आपको उसके अंदर मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा एचडीएफसी में करंट अकाउंट ओपन हुआ था, सेम टू सेम आईसीआईसीआई में भी हमारा करंट अकाउंट है, जहां हमें मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको कोई चार्जेस कटेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर उपेंद्र जी का एक क्वेश्चन है, सर इसमें कस्टमर का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे ही अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज चालू हो जाएगी, इसके अंदर जो है आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी जो है 1000-2000 वाला वो वाला अकाउंट नहीं है, यहाँ पर आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोल सकते हैं, और जो
कस्टमर रहेंगे उनको कार्ड बना के आप दे सकते हैं। अभी फिलहाल में अकाउंट ओपनिंग का नहीं आया है, जैसे ही आ जाएगा उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं कि कब तक आएगा, बट मेरा डीएम से कॉन्टेक्ट होता रहता है तो उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि पहले सभी को बीसी देना जरूरी है। सो सभी को बीसी अवेलेबल हो जाए उसके बाद जो है बहुत ही जल्दी जो है इसका भी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर एक और अननोन क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर मिला था कि मैंने आईसीआईसीआई बीसी के लिए अप्लाई किया है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरा फोन भी नहीं उठाता है, और क्या बता सकते हैं कि डीएम का ऑफिस कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, डीएम का जो ऑफिस है हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कोई ऑफिस मुझे तो नहीं पता है आपके स्टेट में है या नहीं है, बट कहीं होता है कहीं नहीं होता है। कहीं डीएम जो है बुला लेते हैं अपने घर पे और कुछ डीएम जो है ऑफिस में बुला लेते हैं। तो ऑफिस तो क्या है, आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट पर, वहां से आप कॉन्टेक्ट नंबर लेके उनसे मिल लीजिए, या फिर और जो बाकी वीएलई से जो डीएम को जानते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके उनके एड्रेस पर जाके आप बात कर सकते हैं। और अगर आपकी डीएम नहीं सुन रहा है तो आप, मैं आपको यही कहूंगा कि आप स्टेट मैनेजर को कॉल कर लीजिए। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में दो डीएम होते हैं, अगर आपकी एक से बात नहीं हो रही तो दूसरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको कोई ना कोई तो हल होगा ही होगा। या फिर नहीं मिल रहा है तो आप स्टेट मैनेजर को कॉन्टेक्ट कर लीजिए, स्टेट मैनेजर से आपकी जरूर बात हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर इनवैलिड एजेंट आईडी। सो गाइस, इनवैलिड एजेंट आईडी का क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोगों ने अभी तक जो है बैंक मित्र पे जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जो नए सीएससी वीएलई है या फिर जो सीएससी वीएलई इसके लिए ट्राई कर रही है आईसीआईसी बैंक बीसी के लिए, सबसे पहले आप लोग जो है bankmitr.csc अकाउंट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपका जब एसडी आपका जो बैंक मित्र का अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद आप लोग जो है आईसीआईसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि बहुत सारे लोगों का अप्रूवल हो चुका है बट उन लोगों को जो है आईसीआईसी बैंक मित्र में रजिस्टर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जहां जहां पर ये लिस्ट का अप्रूवल आया है आईसीआईसी बीसी का, वही लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। आपका सीएससी आईडी अप्रूवल लिस्ट में है या नहीं है मुझे तो नहीं पता है, बट आप अपने डीएम से कॉन्टेक्ट में रहिए, जैसे ही आपका आईडी अप्रूवल लिस्ट में आएगा आप लोग जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनएक्टिव एजेंट कोड, यानी कि कुछ लोगों ने जो है एजेंट केवाईसी कर लिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, बट अभी भी जो है इनएक्टिव एजेंट कोड आ रहा है। तो इसका जो सीधा साधा आंसर है कि इसका तो आंसर ये है कि आप डीएम से कॉन्टेक्ट करो, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी पता नहीं है। मेरा भी इनएक्टिव कोड आया था, मैंने अपने डीएम को कहा कि इनएक्टिव कोड आ रहा है, तो डीएम ने मुझे यही कहा था कि आप लोग जो है वेट कीजिए, आपका आईडी मैपिंग हो रहा है सीएससी आईसीआईसी के साथ में, तो मैपिंग होने के मुझे 15 दिन बाद जो है मेरा इनएक्टिव कोड जो हट चुका था। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग जो है इनएक्टिव वाला जो कोड वाला ऑप्शन है इसके लिए आप डीएम से बात कर लीजिए, आपका हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है कि कौन सा डिवाइस सपोर्ट करेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 3 डिवाइस सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मंत्रा का, मोर्फो का और स्टार्टेक का, तीनों डिवाइस आप यूज कर सकते हैं। इन तीन के अलावा लिस्ट में कोई डिवाइसेस नहीं है, तो इन तीनों डिवाइसेस का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि ट्रांजेक्शन पर कमीशन कितना मिलेगा। सो गाइस, ट्रांजेक्शन पर जो कमीशन है वो कमीशन आपका हमारा डीजीपे का जो कमीशन है लगभग वही कमीशन है, बिल्कुल सेम है और इतना ही कमीशन हमको मिलेगा। सो कुछ यही क्वेश्चन मुझे मिले हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे बट उनका जवाब मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने उनको लिस्ट आउट नहीं किया है। इसके बाद भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी क्वेश्चन का जवाब आपको पता हो तो आप मुझे जो है कमेंट कीजिए, या फिर आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ 450 VLEs मुझसे कनेक्टेड है, 450 VLEs जो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके वहां पर उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में, आज के इस Q&A सेक्शन में बस इतने ही सवालों के जवाब मुझे बता दें जो मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद भी आईसीआईसी बीसी रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, किसी सवाल का जवाब पता हो तो भी आप कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई सीएससी से रिलेटेड वीडियो डालूंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।